कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जनता को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए 1,11,000 रुपये के सहयोग राशि रेडक्रॉस को प्रदान की है। गुरुवार को इस राशि का चेक उन्होंने बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य को प्रदान किए। वहीं उनके द्वारा 20,000 मास्क भी बनवाए गए हैं, जो क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण अंचलों में उनके और कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। मैं आज कलेक्ट्रेट पहुंचा और हमारे माननीय कलेक्टर श्री दीपक आर्य जी को रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए जो सहायता राशि है कोरोना आपदा की है, उसके लिए 1,11,000 रुपये की राशि मैंने चेक के माध्यम से दी है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस ज़िले के और भी हमारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके जो सेवक हैं जनसेवक हैं वो भी रेड क्रॉस सोसाइटी में अपनी राशि जमा करें, धनराशि जमा करें, ताकि बिहड़ गरीब जंगलों में बसने वाले हमारे गरीब लोग उनकी सेवा पूरी तरह से हो सके, उन तक अन्न पहुंच सके, उन तक चेहरा प्रोटेक्टिव मास्क पहुंच सके और भी हम लोग अवेयर होकर के उनको जहां तक हम गरीबों की मदद कर सकें। के लिए मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं, ये समय एक दूसरे की मदद करने का है। हम भी मदद कर रहे हैं, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं मास्क कोशिश कर रहा हूँ रहा हमें चलते चलते, चूँकि मुझे सारे लॉकडाउन का भी सारे नियम को मुझे पालन करना है, लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रहा हमें चलते चलते सब लोगों को दे रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और अपने वहाँ के जो भी हमारे जो अन्य हैं जो चलते हैं उनको भी मैं देता हूँ कि अपने गाँवों में मास्क बनवाएँ। तत्पश्चात अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि गरीबों को मुफ्त में राशन और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सेवाएं जो जारी है ये निश्चित तौर पर पंचायत में सचिव के माध्यम से सरपंच के माध्यम से हर उस ग्रामीण जन तक पहुँचे जिसको इसकी आवश्यकता है। और इस समय हम सब मिलकर के पूरे बालाघाट जिले के प्रदेश के भारत के लोग मिलकर के ये आह्वान करें कि हम लोग इस कोरोना कोविड 19 से डरे नहीं, इसको हमको मिल करके लड़ना।